जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र के मुंबई स्थित शिरसाड़ के पुण्योदय अतिशय क्षेत्र पर आयोजित हुए भव्य शिलान्यास महोत्सव की पावन झलकियां। यह पावन आयोजन पूज्य मुनिश्री शुभम कीर्ति महाराज के मंगल आशीर्वाद से विगत 26 मई को सानंद संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य निर्देशिका एवं पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की उपाध्यक्षा मीना राकेश जैन के सानिध्य में महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप जैन ने विधिवत शिलान्यास की समस्त मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराया। इस दौरान महोत्सव के पात्रों एवं पुण्यार्जनकर्ता परिवारों ने मुख्य रूप से सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। प्रातः की बेला से ही आयोजन स्थल पर भक्ति भरा वातावरण प्रभु भक्ति में सराबोर कर रहा था। मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर पूजन विधि को पूर्ण किया गया। परिसर में ही सुंदर विधान मंडल की रचना की गयी थी। क्रमानुसार सभी पात्रों ने विधान मंडल पर श्रीफल के साथ अर्घ्य समर्पित किए। नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो तत्पश्चात ही प्रतिष्ठाचार्य श्री के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के साथ इंद्र इंद्राणियों ने शिला की विशेष क्रियाओं को पूर्ण किया। भूषण भूरी विशेष तनु तरकारु मुखम प्रणमामि सदा दुष्भरति। सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा पर अभिषेक किया गया। इसके बाद सौभाग्यशाली पात्रों ने प्रभु का अभिषेक किया। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर नजर डालें तो यहाँ परिसर के मध्य में एक उत्तुंग मान स्तंभ बना हुआ है, जिस पर चारों दिशाओं में विराजमान जिनेंद्र प्रभु के यहाँ आने वाले भक्तों को सर्वप्रथम दर्शन हो जाते हैं। यही वह अतिशय क्षेत्र है जो पुण्योदय के नाम से विख्यात हो चुका है। वर्तमान में क्षेत्र का विकास कार्य तेजी पर है, जहाँ हर दिन कुछ न कुछ आधुनिक धर्मशाला आदि जैसे भवनों का निर्माण चल रहा है। इसी के अंतर्गत विगत 26 मई को संत निवास एवं भोजनशाला भवन के शिलान्यास महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी के चलते पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की उपाध्यक्षा एवं क्षेत्र की मुख्य निर्देशिका मीना राकेश जैन के निर्देशन में भवनों का विकास निर्माणाधीन है। इस अवसर पर ध्वजारोहण कर्ता खंडेलवाल दिगंबर जैन सभा मुंबई के श्री सुभाष जी बोहरा धर्म पत्नी रेणुका देवी सुबोध बोहरा धर्म पत्नी प्रेम देव ने लाभ लिया। तत्पश्चात ही प्रतिष्ठाचार्य श्री ने विधिवत पार्श्व प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा के शीश पर शांति धारा आरंभ की। कार्यक्रम का शुभारंभ मनोकामना पूर्ति वाले पार्श्वनाथ की शांति धारा एवं भक्तामर विधान के सौधर्म इंद्र इंद्राणी सुलोचना अरविंद भाई चंदूलाल कोटड़िया मलाड परिवार ने लाभ लिया। इस सौभाग्यशाली परिवार ने क्षेत्र के मूल नायक प्रभु पार्श्वनाथ की श्याम वर्णी प्रतिमा के शीश पर जल की अविरल धारा प्रवाहित की। जन्म जलाम
प्रकाशनाय जलंधरूपां तेज स्वाहा ओम ते देवतम भगवंतम जलमजनां प्रकाशनाय जलंधरूपां। इसके बाद विधान पूजन से पूर्व विधान मंडल के चारों ओर मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर मंगल कलश स्थापित किए। प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा विधिवत क्रियाओं को पूर्ण किया गया। इसके बाद पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की उपाध्यक्षा मीना जैन जी ने समाज को संबोधित कर पुण्यार्जनकर्ता परिवारों का आभार व्यक्त किया। आज बाकी बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज लॉकडाउन जैसे समय में हमारे बीच में आए सभी अतिथियों को मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ कि अपना अमूल्य समय यहाँ पूरे क्षेत्र में संत निवास और भोजनालय के लिए दिया है। मैं तो आभार उनका बहुत बहुत करती हूँ कि उनका पुण्य भी इतना दी है कि आज बम्बई जैसे महानगर में कहीं भी संत निवास और भोजनालय नहीं है। उनकी पुण्य के प्रताप से आज ये सब आयोजन किया जा रहा है और मैं प्रदीप पंडित जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अमूल्य समय देकर कल से यहाँ पधारे हैं और पूरी व्यवस्था तन से मन से कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार है और आए हुए अतिथि डॉक्टर राजेश का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत यहाँ समय दिया है और बाकी सभी लोग आए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि अमूल्य समय देकर कोरोना ऐसी महाबीमारी को न देखते हुए यहाँ पर उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है और संत निवास और भोजनालय आज उनके कम तक कमलों के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन। इसी उपरांत ही अष्ट द्रव्यों के साथ पूजन आरंभ हुआ। प्रतिष्ठाचार्य श्री के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के साथ इंद्र इंद्राणियों ने अर्घ्य अर्पित किए। इसी के साथ क्रमानुसार सौभाग्यशाली परिवारों ने विधि पूर्वक शिलाओं का पूजन किया। घी के कलश है, स्वस्तिक है और नाना के जो पूरी मंगल कुंभ स्थापना करोमिति है, लगभग एक एक किलो घी है, ऐसे 10 कलश पूजन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने मंदिर जी की परिक्रमा की। इसके बाद सभी ने विधान मंडल पर श्रीफल के साथ अर्घ्य अर्पित किए। सकल पाप बल कष्ट निवास।
इसी उपरांत हवन पूजन आरंभ हुआ। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में सौभाग्यशाली पात्रों ने हवन में आहुतियां देकर विशेष मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराया। अग्निमंडले पवित्राग्नि स्थापनम करोमि ते स्वाहा, अग्नि संदोक्षणम करोमि ते स्वाहा, ओम ऋ वैश्वान सर्वकर्माणि साधे साधे स्वाहा, ओम ऋ वैश्वान सर्वकर्माणि साधे साधे स्वाहा। ईश्वर चटत्रमो सनैता मुक्त स्वाहा, अग्नि कुमाराय धम समर्पया शांते शांते सर्व साधु परमेश दत्तया ने महोत्सव में पधारे पुण्यार्चन कर्ता परिवारों का पुण्योदय अतिशय क्षेत्र कमेटी ने तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य श्री जी को श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान मंच का संचालन करते हुए भूरीलाल जैन कांदीवली ने कार्यक्रम को गति प्रदान की। आपका सवाल क्या है, तो हमको मालूम नहीं कि हमको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, यानी अभी समझ में आता है, सब सवाल एक ही है। तो तभी मैं बोला था कि आपका पैसा के लिए काफी रुकना चाहिए, जितना भी चाहिए पैसा हमारा लेना, फिर आपको वापस देना है नहीं देना आपका मर्जी, लेकिन आपका काम नक्की किया है लेकिन पहले होना चाहिए, और हमारी तरफ से जो आप बोलेंगे वो भी हम करेंगे। और जैसे हमारे कांदीवली में बनाया है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति भी लगाया और पार्श्वनाथ भगवान की भी मूर्ति लगा के एक पांव का बनाया, तो आज मेरा एकदम नाम मिला वही बड़ी बात है, पैसा कौन चीज है। संत निवास का शिलान्यास करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के श्री सुबोध जी बोहरा, धर्मपत्नी प्रेम देवी बोहरा अंधेरी ने प्राप्त किया, एवं भोजनशाला का मुख्य शिलान्यास एवं यंत्र विपुल भाई पारेख बोरीवली निवासी ने विराजमान किया। आठ शिलाओं का दानवीर कुमारी उषा देवी कांतिलाल पंडित मलाड, डॉक्टर राजेश कांतिलाल शाह पत्नी दक्षा शाह कांदीवली, श्रीमती मीना राकेश जैन, श्रीमती रमीला विपिन मेहता, श्रीमती मनोरमा देवी मलाड, शांतिलाल धर्मपत्नी सुशीला देवी पखोरिया, श्री प्रेमलता देवी हीरालाल जैन पालघर को यह सौभाग्य मिला, और मुख्य अतिथि पदम चंद गदिया, माणिक चंद जैन, कमल गंगवाल, सुमित्रा देवी दोषी, हेमलता कोटड़िया, राकेश जैन, धनेश शाह जैन। इसके बाद सभी शिलान्यास भूमि की उस धरा पर पहुँचे जहाँ प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में सौभाग्यशाली पुण्यार्जन परिवारों ने संत निवास एवं भोजनशाला भवन के लिए विधिवत पूर्वक शिलान्यास किया। तिष्ठ ठठ शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। समर्पयामि स्वाहा।
भाग्यवती तिष्ठ तिष्ठ शिला स्थापनम करोमि शिला स्थापनम करोमि श्री यंत्र स्थापनम करोमि ते इधरला बाबू सलामो उधरला उसको नमो सीताणम नमो सीताणम नमो आईनीणम नमो अजानम से पढ़ने का इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित प्रदीप कुमार जैन जी ने पुण्योदय के विकास को लेकर अपने वक्तव्य दिए। यह पुण्योदय तीर्थ भूमि हमारे परम आदरणीय विपिन भाई मेहता इसकी अपने अंतर मन की मनोभावना कि इस भूमि पर हमारे धर्म तीर्थ बने, देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चा यहाँ लोग करें और मुंबई नगर में प्रवेश करने वाले साधु संतों के लिए ये प्रवेश द्वार बन के यहाँ पर हर वर्ष मुनियों का चतुर्मास हो। इस भावना से विपिन भाई मेहता ने अपनी स्वोपार्जित इस भूमि पर देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति लाकर के परम पूज्य मुनि श्री पूर्ण सागर जी महाराज के चतुर्विध संघ के साथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराई। केवल मूर्ति और एक चबूतरे पर विराजमान करके यह पंच कल्याण महोत्सव की समापन वेला में कार्यक्रम की सफलता को लेकर पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की मुख्य निर्देशिका एवं उपाध्यक्षा मीना राकेश जैन ने सभी का आभार व्यक्त कर अपनी बात कही और पुण्योदय क्षेत्र पर आने एवं उसके सहयोग के लिए पुण्यार्जन करने की अपील की। सभी लोगों को जय जैन। मैं मीना जैन, पुण्योदय क्षेत्र। आज 26 तारीख को हमारे संत निवास और भोजनालय का शिलान्यास हुआ है। इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। शिलान्यास में विपुल जी ने भोजनशाला में पूरा उन्होंने एक कमिटमेंट्स किया है कि मैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करूँगा। डॉक्टर राजेश जैन ने, हेमलता जी ने, साथ ही साथ सुबोध बोरा जी, प्रेमलता जी और सुभाष बोरा जी ने भी शिलान्यास का एक पूर्ण आयोजन किया है। आज हमारे बम्बई जैसे महानगर में संत निवास का कहीं भी निवास नहीं है। आज जो भी हमारे साधु संत आते हैं सूरत से लेके बॉम्बे तक, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। आज बम्बई कहने को तो महानगर है, लेकिन हमारे जो जैन धर्म की चर्या है, जैन धर्म के अनुसार संतों का निवास नहीं है। आज हमारे विपिन भाई का एक बहुत बड़ा सपना था कि बम्बई ऐसे महानगर में संत निवास का निर्माण किया जाए। आज पुण्योदय क्षेत्र में पार्श्व भगवान की कृपा से
26 तारीख को संत निवास और भोजनालय का यहाँ शिलान्यास किया गया है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भी इस धर्म कार्य क्षेत्र में अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ सहयोग देकर यहाँ पर योगदान दें। संत निवास में 1,51,000 रुपया, शिलान्यास में पुनर्जन कीजिए और संत निवास में 2,51,000 रुपये का आप पुनर्जन कीजिए, क्योंकि ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। आने वाले समय में साधु संतों के लिए ये व्यवस्था, जो कि हमारे जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है और जैन धर्म के अनुसार हमें साधु संतों को अपने परम आगम के अनुसार ये पीढ़ी को आगे चलाना है। मैं बम्बई जैन समाज और अदर स्टेट से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप पूर्णोदय क्षेत्र में अपनी यथाशक्ति के अनुसार योगदान दीजिए और इस निर्माण को सफल बनाइए। जय जिनेंद्र, मीना जैन। आप एक कमरे के लिए सहयोग राशि 5,51,000, संत निवास के लिए सहयोग राशि 2,51,000, भोजनशाला के लिए सहयोग राशि 1,51,000 प्रदान कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। अपनी सहयोग राशि यहां जमा करा सकते हैं। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बैंक का नाम दी जन सहकारी बैंक लिमिटेड, खाता संख्या 0452JSB, ब्रांच का नाम बोरीवली वेस्ट मुंबई, मोबाइल नंबर 9820597092। इसी के साथ आज के इस शिलान्यास महोत्सव का समापन हो गया। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसी ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ। जय जिनेंद्र।